आज हम लोगों का ये टेस्ट तीसरा है, जो बीए पार्ट वन हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर वन का जो टेस्ट स्टार्ट किया गया है, ये टेस्ट तीसरा है। इससे पहले दो को टेस्ट हो चुका है, अगर उसको नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब आपको लोगों को पता है ये टेस्ट क्यों स्टार्ट किया गया है, लेकिन दो को कारण से। पहला कारण कि आप लोगों को पता तो चले आप लोग कितना पढ़े हैं, कितना याद है, और दूसरा बात इसमें हम रिवीजन करवा देते हैं, मतलब बहुत जल्दी से जल्दी पूरा रिवीजन करवा देते हैं, और इसके आंसर भी यहीं पर इसलिए बताते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, उसका तीन चार गो और क्वेश्चन हम बताए, उसके आंसर अभी इसलिए बता देते ताकि आपको रिवीजन हो जाए, जल्दी से जल्दी याद हो जाए। ये रिवीजन समझ लीजिए कि टेस्ट भी हो रहा है और आप लोग का रिवीजन भी हो जा रहा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता है, कौन है जिसे अमित्र घात कहते हैं, अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता है? ए बिंबिसार, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी पुष्यमित्र सुंग। तो ये बिंदुसार है, बिंदुसार और बिंबिसार मंत्र पता है ना। बिंबिसार जो था वो हर्य वंश का संस्थापक था, वो एक प्रतापी राजा था। क्या था? प्रतापी राजा था। लेकिन ये जो था बिंदुसार, ये मौर्य वंश का संस्थापक तो था नहीं, मौर्य वंश का संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये राजा बना था, तो उतना ताकतवर नहीं था जितना कि ये चंद्रगुप्त मौर्य हो। तो ये बहुत ताकतवर राजा था, कौन? बिंबिसार। तो समझिए डबल बी लगा है तो ये ताकतवर होगा, ये बिंदु है तो क्या ताकतवर होगा, ऐसे याद कर लीजिए। ये जो बिंदु है तो ताकतवर उतना होगा नहीं, ये ताकतवर होगा, तो हर एक वंश का संस्थापक था ये। अब बिंदुसार से क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन होता है बिंदुसार। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा कौन बना? यही बिंदुसार बना। राजा कौन बना? बिंदुसार। तो ये मौर्य वंश का था। अब इसके भी प्रधानमंत्री कौन थे? इसके भी प्रधानमंत्री शुरू में कौन थे बताइए? तो शुरू में कौन थे प्रधानमंत्री इसके? इसके भी चाणक्य थे, लेकिन चाणक्य और इसके बीच कुछ मतभेद होने के कारण चाणक्य जो थे वो पाटलिपुत्र छोड़कर चले गए, और पाटलिपुत्र छोड़कर जाने के बाद क्या हुआ, ये फिर दोबारा गया उनको मनाने के लिए, कहा चलिए हमारे दरबार में, लेकिन वो दोबारा आए नहीं। अब इसके बाद बताइए कि ये जो बिंदुसार था, ये बिंदुसार के कितने पुत्र थे? बिंदुसार के देखिए ऐसे तो माना जाता है कि जो अशोक था, इसी बिंदुसार का ही लड़का था, जो अशोक था अपने 99 भाइयों की हत्या करके और उसके बाद राजा बना, तो लगभग 100 से अधिक इसके पुत्र थे। तो जो सबसे बड़ा बेटा इसे क्या नाम था, बिंदुसार का बड़ा बेटा का क्या नाम था जिसको ये राजा बनाना चाहता था बताइए? उसका नाम था सुसीम, और सुसीम के बाद कौन था? अशोक। और तो ये राजा किसको बनाना चाहता था? सुसीम को। लेकिन राजा बना कौन? अशोक राजा बना। कौन बना? अशोक राजा बना। और ये जो ये बिंदु जो बिंदुसार था वो सीरिया के राजा से क्या क्या मांगा था? तीन गो चीज मांगा था। क्या क्या तीनों चीज मांगा था? सूखी अंजीर मांगा था, दार्जिलिंग मांगा था, और मीठी शराब मांगा था सीरिया से। लेकिन वहां से आया क्या क्या? सिर्फ ये मीठी शराब आ गया और अंजीर आ गया, दार्जिलिंग नहीं भेजा। वो शासक जो था वहां का सीरिया का, क्यों नहीं भेजा? उसने बताया था देखिए हम दार्जिलिंगों का व्यापार नहीं करते, यानी कि शिक्षा का हम व्यापार नहीं करते, इसीलिए नहीं भेजा था। और इसके बाद राजा कौन बना? इसके बाद ये बिंदुसार के बाद राजा कौन बना था? ये बिंदुसार के बाद राजा अशोक बना, सम्राट अशोक। और हुआ क्या सम्राट? उसका राज्याभिषेक जो है वो कब हुआ था? सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था बताइए? तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक, किसका? अशोक का। तो उसके बाद अपने 8वें वर्ष में, वो तो युद्ध कब किया था? 8वें वर्ष में अपने क्या कहते हैं, अपने राज्याभिषेक 8वें वर्ष में युद्ध किया था। किससे? कलिंग पर आक्रमण किया था। कब? 261 में। दोनों ध्यान रखना है, 261 ईसा पूर्व में 8वें वर्ष के बाद, मतलब अपने जब राज्याभिषेक हुआ उसके 8वें वर्ष में क्या किया? 8 वर्ष बाद ये आक्रमण, 8 वर्ष बाद नहीं 8वें वर्ष में ही 261 में आक्रमण कर दिया कलिंग पर, और कलिंग ही था कि आखिरी उसका युद्ध था, उसके बाद कोई युद्ध नहीं किया। प्रारंभिक मतलब राजा बनने के बाद प्रारंभिक युद्ध कलिंग से किया था ना, और अंतिम भी हो गया। इससे डरते लोग क्यों थे? क्योंकि पहले ही बहुत कुछ कर चुका था राजकुमार जब था ना, राजकुमार जब था, राजा नहीं बना था उस समय, बहुत सारा युद्ध लड़ चुका था, बहुत सारे जगहों का जो विद्रोह दबा चुका था, तो लोग इससे डरते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ए मानव स्मृति, बी भागवत गीता, सी ऋग्वेद और डी मुंडको उपनिषद। तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कौन सा? ये जो सत्यमेव जयते है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब देखिए ये जो वेद है, वेद का शुरुआती जो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। तो वैदिक काल के दो भागों में बांटा गया। कब कब बांटा गया? वैदिक काल के प्रारंभिक जो ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल वो कब से कब तक था? ऋग वैदिक काल बताइए तो, ऋग वैदिक काल कब से कब तक था?
ऋग्वेदिक काल था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था, ईसा पूर्व था उसके ऋग्वेदिक काल या प्रारंभिक वैदिक काल भी, प्रारंभिक वैदिक काल भी बोलते हैं। उसके बाद आया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था बताइए, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, कब तक 600 ईसा पूर्व तक था। अब शुरुआत में ऋग्वेदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई क्योंकि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है, और बाद में तीनों वेद की, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तीनों वेद की रचना हुई, फिर उपनिषद की रचना हुई, ये सब कब हुई, उत्तर वेद में हुई, ध्यान रखिएगा। और ये उस समय यज्ञ करवाए जाते थे, ये उत्तर वैदिक काल में यज्ञ करवाए जाते थे और ऋग्वेदिक काल में, तो यज्ञ के कई गो प्रकार थे। अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया, तो अश्वमेघ क्यों यज्ञ करवाया जाता था, राजा का क्षेत्र विस्तार के लिए घोड़ा छोड़ दिया जाता था और जो घोड़ा पकड़ेगा उससे युद्ध करता था राजा। दूसरा राज्य सु यज्ञ करवाया जाता था, राज्यसूय जो यज्ञ था, ये राज्यसूय जो यज्ञ था वो करवाया जाता था जब जब राज्याभिषेक होता था उस समय राज्यसूय यज्ञ करवाया जाता था। उसके बाद जो वाजपेय यज्ञ करवाया जाता था वो अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए करते थे, राजा के क्यों करते थे, शक्ति प्रदर्शन के लिए, चलिए इससे हम लोग हाँ। और उत्तर वैदिक काल में लोहा की शुरुआत हुई, उत्तर वैदिक काल में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, राज तरंगणी किसकी रचना है, स्ट्रोबो जस्टिन मेगास्थनीज कलर, तो ये राज तरंगणी जो है वो कलर की रचना है। और देखिए और भी ये रचना है इसको ध्यान रखना है, वाण भट्ट की रचना हर्षचरित है, हर्षचरित किसने लिखा है, वाण भट्ट ने, एक ही जगह सब लिख दिया है, ये सब इंपॉर्टेंट ही है, कौन क्या रचना किया इतना ही इंपॉर्टेंट है, और भी है जो आप याद कर सकते हैं बहुत सारा, हम तो देखिए ये सब बता रहे हैं, पहले भी तो पढ़ाए हैं बताए हैं, सिर्फ रिविजन करवा रहे हैं। तो ये राज तरंगणी कलर की है, वाण भट्ट की रचना है हर्षचरित, हर्षचरित किसकी रचना है, वाण भट्ट की। आज देखिए कालिदास की कौन कौन सी रचना महत्वपूर्ण है, रचना तो बहुत सारा हुआ है लेकिन महत्वपूर्ण बता रहे हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम, ये सब कालिदास की जो रचना है ये महत्वपूर्ण है। देवी चंद्र गुप्तम विशाखा दत्त की रचना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देवी चंद्र गुप्तम। आगे बढ़ते हैं, कल्प सूत्र भद्रबाहु की रचना है, कल्प सूत्र किसकी रचना है, भद्रबाहु की। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, ये भी विशाखा दत्त की ही रचना है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाखा दत्त की ही रचना है। चलिए इतना सब ध्यान रखिएगा, इस सबको क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा इस सबको। आगे बढ़ते हैं, हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष। तो ये समुद्रगुप्त का थोड़ा देख लेते हैं, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अब देखिए गुप्त वंश के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, गुप्त वंश, ये गुप्त वंश के बारे में पहले भी बताए, गुप्त वंश किसके सामंत थे, ये कुषाण वंश के सामंत थे, और इसका संस्थापक कौन था, गुप्त वंश का संस्थापक बताइए तो कौन था, ये श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद राजा कौन बना, घटोत्कच बना, घटोत्कच के बाद राजा कौन बना, चंद्रगुप्त प्रथम बना, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा कौन बना, यही समुद्रगुप्त बना, कौन बना, समुद्रगुप्त बना। ये बहुत ही शक्तिशाली राजा था, ये तीन तीन राजाओं के एक साथ निपटाता था, क्यों, क्योंकि डर बना रहा है लोगों के बीच में, इसके नाम से डर बना रहा है, क्योंकि शुरू में इसने कुछ नहीं किया, राजकुमार रहते ज्यादा कुछ इसको करने का मौका नहीं मिला, जब राजा बना तो तीन तीन राजाओं के एक साथ निपटाता था, मतलब तीन राजा को एक साथ, तीन राजा को एक साथ थे, इसके ये देखकर आसपास वाला राजा आसानी डर गए थे, बहुत सारे राजा तो आत्मसमर्पण कर दिए थे, किसके सामने, समुद्रगुप्त के सामने। अब देखिए समुद्रगुप्त ने एक प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया था, प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद में है, अभिलेख लिखवाया था, अभिलेख वही प्रयाग प्रशस्ति जिसमें किसने, हरिसेन द्वारा लिखवाया गया था, किसके द्वारा, ये अपने कवि हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति किसका है, इसी का है, समुद्रगुप्त का, लिखवाया गया इलाहाबाद में, इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं उसको, वही प्रयाग इलाहाबाद, तो ये समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद जातक कहानियां किससे संबंधित है, जो जातक कहानियां है, जातक कथाएं है, किससे संबंधित है, जैन धर्म, बौद्ध, जैन बौद्ध ब्राह्मण या शैव, तो ये है बौद्ध धर्म संबंधित, जातक कहानियां कथा जो कथा है कहानी है किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखिए बौद्ध धर्म का थोड़ा सा और समझ लेते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में, जो बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, ध्यान रखिएगा अंगुत्तर निकाय से ही 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, ये बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। उसके बाद अंगुत्तर निकाय के बाद त्रिपिटक के नाम आता है, त्रिपिटक, सूत, अभिधाम, विनय पिटक, तो जो सूत पिटक है उसी के अंतर्गत, उसी का हिस्सा है अंगुत्तर निकाय, जो हम बोल रहे हैं कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची है, तो जो अंगुत्तर निकाय है किसका हिस्सा है, अंगुत्तर निकाय, ये भी जो अंगुत्तर निकाय है ये हिस्सा है सूत पिटक का, किसका है,
सूतपीटक का ही हिस्सा है। उसके बाद बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे धम्म बुद्ध और संघ। त्रिरत्न किसके? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न धम्म बुद्ध और संघ थे। दीप वंश और महावंश ये भी बौद्ध साहित्य ही है। दीप वंश महावंश ये भी बौद्ध साहित्य ही है। आगे बढ़ते हैं तो ये तो लगभग खत्म ही होगा। हाँ, ये थोड़ा गुप्त वंश के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने किया था, ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त प्रथम ने। और एक अभिलेख है, वो गुप्त वंश से संबंधित नहीं है, एक अभिलेख का नाम याद रखिएगा, खरवेल का हांथी गुफा। हांथी गुफा किसका है? खरवेल का है। हम लगते हैं बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ये रिवीजन हम करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? रिवीजन करवा रहे हैं और आपका टेस्ट भी हो रहा है। हम लगते हैं सब कुछ आपको याद होगा, ये सब कुछ आपको याद होगा। क्यों याद होगा? क्योंकि ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया और आप पढ़े भी हैं, तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लगता है समझ में आ गया होगा।